में आओ। दारू भट्टी बंद कराओ। उपेश सरकार होश में आओ। दारू भट्टी बंद कराओ। किसानों का बकाया राशि देना होगा। देना होगा। शराबबंदी बंद करो। बंद करो। बंद। नमस्कार डीएनएस टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नीलम। भारतीय जनता पार्टी की नवापारा राजिम इकाई द्वारा प्रदेश भाजपा के आह्वान पर राज्य की कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी एवं शराबबंदी को लेकर शहर में भी एक दिन के धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी नवापारा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव ने बताया कि समूचे मंडल क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के द्वारा घर पर रहते हुए और लॉकडाउन का पालन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नेता व कार्यकर्ता शांतिपूर्वक धरने पर बैठे रहे। अपने घर के दरवाजे के बाहर भूपेश सरकार की वादा खिलाफी वाले नारे लिखे तख्ते लेकर बैठे हुए थे, जिसमें शराबबंदी, किसानों को 2 साल का बोनस, धान के समर्थन मूल्य की बकाया राशि देने, चिटफंड कंपनियों द्वारा जनता से की गई धोखाधड़ी के पैसे वापस दिलाने की मांग लिखी हुई थी। साथ ही धरने के दौरान पोस्टर के माध्यम से प्रदेश की भूपेश सरकार को यह याद दिलाने का प्रयास किया गया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पूर्व गंगा जल की झूठी कसम खाकर यह वादा छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को दिया था। इन मांगों को पूर्ण करने की याद दिलाते हुए नारे भी पोस्टर में लिखे हुए थे। धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार को मांगे पूरी करने का संदेश पहुंचाए जाने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव के अलावा पूर्व अपेक्स बैंक के अध्यक्ष अशोक बजाज, मनीष देवांगन, अशोक गंगवाल, मनीष चौधरी, अजीत चौधरी, साधना सौरज, धनमती साहू, तनु मिश्रा, पार्षद संजय ओम कुमारी साहू, बॉबी चावला, भूपेंद्र सोनी, मुकुंद मेश्राम, दुकालु चक्रधारी, नागेंद्र वर्मा, ईश्वरी देवांगन, वीरेंद्र साहू व हेमू यादव सहित नवापारा भाजपा मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ता इस ऐतिहासिक धरने का हिस्सा बने। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। जनता पार्टी के प्रदेश आह्वान पर आज एक दिवसीय शराबबंदी के विरोध में हल्ला बोल के कार्यक्रम रखे हुए और ये कांग्रेस की सरकार मुँह में राम बगल में छुरी आज शराबबंदी के वादा करीस जनता मन होला ये सोच के ओढ़ दीस कि हमला सुख शांति के सुकून मिली। लेकिन आज होम डिलीवरी वाहरे सरकार कमाल के होम डिलीवरी यानि घर में घर पहुंच सेवा दारू के आज ये शराब से बहुत ही महिला बेटी मन सुरक्षित नहीं है और चुनाव के समय बहुत बड़े बड़े वादा करे रही से ये मिठलबरा सरकार है। ये बोले रही से कि युवा मल्ला बेरोजगारी भत्ता दिलाऊं, महिला मल्ला सामाजिक सुरक्षा हो, विधवा पेंशन हो, इमा वृद्धि करूं, किसान मल्ला बोनस के राशि दिलवाऊं। कहाँ गए ये वादा? आज यही सब मुद्दा ले करके चिटफंड कंपनी आज हर घर से एक खाता चिटफंड कंपनी में है और चिटफंड कंपनी वाले जनता मंडला इतना विश्वास रही से कि वाकई में ये सरकार आई तो हमारे पैसा ला वापस करवाही। आज वही आशा और विश्वास के साथ के राज्य में कांग्रेस के सरकार ला चुनी से जेकर परिणाम है कि आज ये कांग्रेस की सरकार है घर पहुंच होम डिलीवरी शराब पहुंचा थे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी पूर्ण शराबबंदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन संपूर्ण भारतवर्ष में रखा गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नवापारा मंडल के कार्यकर्ताओं ने भी अपने घर के दरवाजे के सामने तख्ती लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें तख्ती में भूपेश सरकार की वादा खिलाफी के सारे कारनामे लीक करके उन तक पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास है, जिसमें किसानों का बोनस दिया जाना, सरकार के द्वारा की गई वादा पूर्ण शराबबंदी, धान के समर्थन मूल्य की अंतर राशि और
चीट फंड कंपनी जिसमें अनेक बेरोजगार और अनेक परिवार जुड़ करके लाखों रुपया जो अपना लगा चुके हैं, ऐसी राशि को जिस सरकार ने वापस की जाने की घोषणा की थी, और आज ऐसी संकट की घड़ी में धारा 144 होते हुए शराब भट्टियों का संचालन करना, जहां हजारों की तादाद में भीड़ एकत्र होकर के पूरी व्यवस्थाओं और सरकार के द्वारा बनाई गई पूरी महामारी रोकने की प्रयास को विफल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इन तमाम विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।